हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जिसके ज़रिए आपके फेस पे जो भी कालापन है या फिर कह सकते हैं आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे हैं या आपका फेस काफ़ी रूखा बेजान हो चुका है, तो आप इसको होम रेमेडी के ज़रिए कैसे दूर कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज मैं जो इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाली हूं वो है कोकोनट ऑयल। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैम हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन हमारा फेस काला पड़ जाता है, हमें कोकोनट ऑयल सूट नहीं होता है। आज मैं आपको इस रेमेडी में बताऊंगी कि आप कोकोनट ऑयल के अंदर एक ऐसी चीज़ डालें जिससे आपका चेहरा ना तो काला पड़ेगा और ना ही आपके फेस पे कोई परेशानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको कोकोनट ऑयल किस टाइम यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ये लिया है मैंने कोकोनट ऑयल, ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है। मैं यहाँ पे लूँगी इसे एक चम्मच। सर्दियों में ये जम जाता है, मैंने यहाँ पर ये इस जग में गर्म पानी में इसे रख रखा था जिससे ये मेल्ट हो चुका है। एक चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके फेस को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप इसमें बादाम रोगन भी डाल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें एलोवेरा जेल। एक चम्मच कोकोनट ऑयल है तो एक चम्मच लेना है हमें एलोवेरा जेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे जब तक मिक्स करना है जब तक कि क्रीम की फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, ये क्रीम की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है मैं आपको बताऊं। आपको करना क्या है, पहले अपने फेस पे से सारा मेकअप रिमूव कर देना है। आपको अपना फेस अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इस रेमेडी को अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से अपने फेस पे जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं उसी तरीके से आप लगा लीजिए। आप चाहे इस तरीके से डिप डिप करके लगाना चाहते हो या सर्कुलर वे में लगाना चाहते हो या फिर जैसे भी आप अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं इस तरीके से लगा लीजिए और उसके बाद अपने फेस पर सर्कुलर वे में इस तरीके से मसाज करिए जब तक ये क्रीम आपके फेस में अब्सॉर्ब ना हो जाए। और जब ये क्रीम आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको ये कब लगाना है, आप ये दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाइए। अगर आप इस क्रीम को लगाकर धूप में बैठेंगे तो आपका फेस काला ज़रूर पड़ जाएगा। आप इस क्रीम का यूज़ खाली नाइट में ही करिए, अपना फेस धोकर नाइट में इस क्रीम को लगा लीजिए और फिर ओवरनाइट के लिए इसे अपने फेस पे ऐसे ही लगा रहने दें और मॉर्निंग में गुनगुने पानी से वॉश कर लें। ऐसा आप रोज़ाना कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो आप हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो डल हो चुकी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन पे चमक आएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और आपकी स्किन के जो भी दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन धीरे धीरे करके फेयर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके फेस पे झाई भी हो रही है तो आप देखेंगे, आप जब इसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी जो झाई है वो धीरे धीरे करके वो भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा।